हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लायंस क्लब बाड़मेर की प्रेरणा से आज दिनांक 5 सितंबर 2021 रविवार को महावीर सर्किल गडरा रोड में डॉक्टर पंकज विश्रोही द्वारा 1000 गिलोय के आयुर्वेदिक पौधे निशुल्क वितरित किया गया। यह कार्यक्रम माननीय विधायक श्री मेवाराम जैन के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नाकोड़ा ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान हंसराज जी कोटड़िया ने किया एवं कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि पार्षद दिनेश भंसाली, विशिष्ट अतिथि बाड़मेर प्रधान प्रतिनिधि गिरधर सिंह एवं पूर्व सरपंच गोवर्धन सिंह राठौड़ रहे। सचिव संजय सांकलेचा ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए अतिथियों के माल्य अर्पण एवं शॉल स्वागत से हुआ। लायंस क्लब अध्यक्ष मुकेश जैन ने सभी अतिथियों को एवं डॉक्टर पंकज विश्रोही का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि हमारे एक और अनुरोध पर ही डॉक्टर पंकज विश्रोही में पौधों की व्यवस्था की। माननीय विधायक मेवाराम जैन ने पंकज विश्रोही के इस सराहनीय कार्य की तारीफ करते हुए कहा कि वैद्य पंकज विश्रोही जो अभी राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में वैद्य हैं, कोविड के बुरे हालातों में कोविड वार्डों की ड्यूटी दी। साथ ही ऐसी स्थिति की भयावहता को देखते हुए इन्होंने अपने स्तर पर 1000 गिलोय के निःशुल्क पौधे वितरण कर रहे हैं। यह अनुकरणीय कार्य है। आयुर्वेद डॉक्टर पंकज विश्रोही ने पौधे के गुणों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की पत्तियां, जड़ें और तना तीनों ही भाग सेहत के लिए बहुत गुणकारी है, लेकिन बीमारियों के इलाज में सबसे ज्यादा उपयोग गिलोय के तने या डंठल का ही होता है। गिलोय में बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, साथ ही इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और कैंसर रोधी गुण होते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से यह बुखार, पीलिया, गठिया, डायबिटीज, कब्ज, एसिडिटी, अपच, मूत्र संबंधी रोगों आदि से आराम दिलाती है। बहुत कम औषधियां ऐसी होती है जो वात, पित्त और कफ तीनों का नियंत्रित करती है। गिलोय उनमें से एक है। गिलोय का मुख्य प्रभाव टॉक्सिन पर पड़ता है और यह हानिकारक टॉक्सिन से जुड़े रोगों को ठीक करने में असरदार भूमिका निभाती है। इस कार्यक्रम में लाइन किशनलाल बडेरा, पवन सोलंकी, शेखर जैन, मनोज आचार्य, राजेंद्र शारदा, दिनेश सोनी, सुरेंद्र बाग मालानी एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकराराम मेघावल की रिपोर्ट।